हाय गाइस, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गाइस, हम इस वक्त हिंगलाज माता जी के धाम पे आए हैं और हम अब जा रहे हैं 84 धाम, तो 84 घाट और 84 धाम भी कहते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं थक गए हैं बहुत। राम राम बाबू। जय हो माता हिंगलाज की। जय बोलते हैं तो शक्ति आ जाती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। ये बापू भूरा राम कोट गुलाम के रहवासी हैं, जो जय जयकार कर रहे हैं माता जी की। राम राम बापू। सतनाम सतनाम सतनाम। जय माता की। जय माता की। जय माता की। थके नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, माता का नाम ले रहे हैं कैसे थकेंगे भाई। ऐसे माता की जय जयकार है, माता ने माता की जय जयकार करते हैं तो माता जी की शक्ति है, इस वजह से सारी थकन दूर हो जाती है। आप देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ देखे कितने बड़े बड़े, और रास्ता बहुत ही कठिन रास्ता है। आप देख सकते हैं रास्ते है, जय जयकार करते हैं। गाइस, हम पहुंच चुके हैं फोड़ियल माँ के धाम पे, फोड़ियल माता जी का धाम पे पहुंच चुके हैं। ये फोड़ियल माँ का धाम है और ये राम जी के पांव के निशान है, आप देख सकते हैं राम जी के पांव के निशान। ये खोड़ियल माँ की मूर्ति है, हिंगलाज माता धाम बलूचिस्तान, खोड़ियल माता जी की मूर्ति, ये सेवादारी है। ये खोड़ियल माँ का धाम। जय हो माता जी की। गाइस, ये अब हम पहुंच चुके हैं राम जी के कुएं पे। देखो कितने ऊपर पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ी हैं माता जी के धाम, हिंगलाज माता जी का धाम। हजारों की तादाद में पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे आती है यात्रा के लिए। Yeah.
यहाँ पे आके स्नान वगैरह करते हैं। माता जी की जय जयकार हो रही है। ये राम जी का कुआं है, देख सकते हैं। ये देखो, इस वक्त हम पहुंचे हैं अमरवेल पे, अमृतवेल पे, और वहाँ पे कुदरती पानी चल रहा है, ईश्वर माता का नज़ारा है। यहाँ पे ये स्नान करते हैं, ये देख सकते हैं स्नान वगैरह यहाँ पे करते हैं माता जी की कृपा से। अमृतवेल ये 84 है, वहाँ से लोग उतर रहे हैं, देख सकते हैं। कुछ लोग दोस्त हमारे नहा के अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो ये अमृतवेल है, यहाँ पे कुदरती पानी 24 घंटे बरसात की तरह टपक रहा है, आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे बारिश की तरह पानी टपक रहा है अमृतवेल का, 24 घंटे यहाँ पे 24 घंटे चलता रहता है। देख सकते हैं माता का नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे। यहाँ राम जी यहाँ पे आए थे, इधर नज़ारे खूबसूरत देख सकते हैं। कुआँ ये आप देख सकते, वहाँ पे ये स्नान वगैरह कर रहे हैं लोग, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आए हैं स्नान वगैरह कर रहे हैं। और वो आप सामने देख सकते हैं, चौरासी आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, 84 काम करके आ रहे हैं यहाँ पे। बड़े खतरनाक की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, और बहुत ही रास्ता इतना खतरनाक है, फिर भी लोग माता की जय जयकार करके माता पे विश्वास रख के अपने जय जय बोलते आ रहे हैं माता की। और माता की जय बोलने से शक्ति आ जाती है, सकून से यहाँ पे आते हैं। अभी ये हमारे भाई दोस्त नहा के अभी तैयार हो रहे हैं, तीरथ भाई, राजेश भाई नहा के तैयार हो रहे हैं, अभी तैयार हो गए हैं, अभी रेडी है, माता जी के धाम पे जाएंगे। जी भाई लगा रहे हैं। तीरथ भाई जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। गाइस ये तीरथ भाई है जो तिलकुंड पे अभी, वो हमारी रस्म है हिंदू बिरादरी की, जो भी रस्म है वो पूरी कर रहा है। जय इंगलाज माता की, सच्ची नहीं आता, दिल साफ करे। जय माता, जय माता, जय माता।